हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 42 करने वाले हैं जो कि 9th क्लास के लिए है। ठीक है, ये 9 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो बेटा आज हम इसमें पढ़ेंगे एक लंबवृत्त बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। लंबवृत्त बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आवश्यक पूर्व ज्ञान, बेलन की समझ हमें होनी चाहिए, तभी हम उसका पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कहता है, बच्चों आप जानते हैं कि बेलन का एक वृत्तपृष्ठ दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। एक तो वृत्तपृष्ठ होता है और दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। जितने भी फलक किसी भी ठोस में हैं, तो उन सारे फलकों का योगफल ही क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए, एक तो वृत्तीय भाग होता है इसका चारों तरफ, ठीक है, वृत्तीय फलक होता है, और दो ऊपर और नीचे क्या होते हैं आपके, वृत्त होते हैं। ठीक है, ये वृत्तपृष्ठ होता है और दो वृत्ताकार, ये तो वृत्तपृष्ठ है और दो क्या है, वृत्ताकार आपके भाग हैं। तो कहता है, क्रियाकलाप देखिए, एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आप कागज की आयताकार शीट लीजिए, आयताकार शीट भी आपने ले ली, ठीक है, जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, जिसकी चौड़ाई है बी, समझो एच के क्या है, वो बराबर है, बी लिखो या एच लिखो, बात एक ही है। ठीक है जी, और जो लंबाई है इसकी, जो शीट की लंबाई है, वो इसके आपके जो वर्गीय क्षेत्रफल है चारों तरफ का जो भाग है उसके बराबर है। ठीक है, जिस तरह से आपने ये ले लिया, जो इसको पूरा तरह से कवर कर दिया, उसको कवर करे तो ठीक है। जैसे ये आयताकार पृष्ठ था, देखिए हमने इसको बेलन के बेलन बनाना, तो हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से मोड़ देंगे हम इसको, ये बेलन बन जाएगा हमारा। तो जो इसकी लंबाई थी, ध्यान देखिए, जो इसकी लंबाई है, जो इसकी क्या है, लंबाई है, वो तो क्या आ गया, इसका वर्गीय क्षेत्रफल बन गया, वर्गीय भाग बन गया। और जो इसकी चौड़ाई थी, जो इसकी चौड़ाई है, वो क्या बन जाएगी, इसकी बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। जो चौड़ाई है वो बेलन की क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, जो लंबाई है वो तो क्या बन जाएगा, इसका वर्गीय भाग बन जाएगा, इसका वृत्त की परिधि बन जाएगी, यानी कि जो लंबाई थी ये लंबाई है इसकी, तो ये तो यूं घूम गई, तो ये तो क्या बन गया आपका, ये तो आपका बन गया परिधि, ये तो आपका क्या बन गया, ये परिधि बन गई जो लंबाई थी। तो देखिए, हम कह सकते हैं इस तरह से कि जो बेलन का क्षेत्रफल है, या बेलन का जो वृत्तीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है जी, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी, और मैं जानता हूं लंबाई तो क्या है, लंबाई हो गई है वृत्त की परिधि के बराबर, लंबाई क्या हो गई आपकी, वृत्त की परिधि के बराबर, और चौड़ाई क्या हो गई है, बेलन की ऊंचाई के बराबर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होता है, 2πr, और ऊंचाई क्या होती है आपकी, h, क्या होती है जो ऊंचाई, h होती है। इसलिए बेलन का जो वृत्त पर क्षेत्रफल है, बेलन का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, 2πrh। अगर ठोस बेलन अगर है आपका, देखिए, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मुझे निकालना होता है, तो क्या होता है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता ही होता है चारों तरफ का, और साथ में दो आधार का क्षेत्रफल भी होता है, यानी कि दो वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो गया। आधार कैसे हैं इसके, आधार इसके कैसे हैं, वृत्ताकार हैं, तो आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर। दो आधार है, एक नीचे और एक ऊपर है, तो इसलिए दो बार जोड़ देंगे, दो वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल और ये भी वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका 2πrh हो गया, और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2πr² हो गया। तो ये आपका बेलन का कुल प्रक्षेत्रफल है, ये और ये आपका बेलन का वृत्त प्रक्षेत्रफल है। ठीक है जी, तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है, ये फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया गया बेटा, कि आधार का आयत के क्षेत्रफल से हम क्या निकाल देते हैं, हमारा बेलन बन जाता है, अगर कोई आयताकार शीट हम बेलन के चारों तरफ लगा दे तो। ठीक है, इस तरह से हमने फॉर्मूला निकाल दिया। ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि आज जो है इसी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इसके। तो देखिए, पहला उदाहरण क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला उदाहरण कहता है कि बेलना का डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कहता है, उस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए,
हमने भी पढ़ा जो बेलनाकार डिब्बा होता है उसका कुल प्रक्षेत्रफल, डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखेंगे जी हम? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बेलन कुल क्षेत्रफल तो 2πRh प्लस में 2πR2। मैं चाहूँ आर का मतलब याद रखिएगा त्रिज्या होता है, इसका मतलब ऊंचाई। 2πR क्या ले सकता हूँ इसमें से, चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा आपका r। अब मैं इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूँ, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब कितना है तो सॉरी 22/7 होता है, पाई का मतलब हम जानते हैं, आर का मतलब कितना है 7, एच का मतलब 15 और आर का मतलब 7, गुणा में है 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना हो गए 44, और 15 और 7 कितना हो गए 22 हो गया, 22 चौक कितना हो गया जी आपका 88, 22 चौक 88 और 8 कितना हो गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम जानते हैं किसमें निकलता है जी आपका स्क्वायर में निकलता है। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, लंब बढ़ते बेलन का वृत्त क्षेत्रफल, बेलन का वृत्त क्षेत्रफल दे रखा आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास निकालना जी। तो व्यास हम जानते हैं त्रिज्या का दुगुना होता है, तो हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बेलन का वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 2πRh, ये आपका 88 रहेगा, पाई का मतलब जानते हैं 22/7 होता है, आर का मतलब आर हमें निकाल लिया, एच कितना है आपका 14, ये हो गया, 7 दूनी कितना हो गया आपका 14 हो गया, अब ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, आर हो गया, यहाँ रह गया आपका 88, आर का 88 कहाँ ले जाएंगे आप, बट्टे में ले जाएंगे, 88 से 88 कैंसिल तो कितना आ गया 1, तो त्रिज्या आ गई 1 आपकी, हमें निकालना है व्यास। तो व्यास क्या होता है हम जानते हैं, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या है हमारे पास 1, आर की जगह 1 रख दिया, 2 एकम कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, व्यास कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर आ गया बेटा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण 3 कहता है कि वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दे रखा 3.5 मीटर है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और यह 10 मीटर गहरा है, गहराई भी दे रखी है इनकी, ऊंचाई उसकी, व्यास दे रखा है, कहता है आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो है कि व्यास दे रखा है तो हम क्या निकाल देंगे उसकी त्रिज्या, 2 से डिवाइड हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने 10 मीटर में, सॉरी ठीक है जी 10 मीटर, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। दूसरे भाग में कहता है कि 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसका वृत्त पृष्ठ का प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो पहले तो प्लास्टर का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, तो हम निकाल देंगे आंतरिक वृत्त पृष्ठ या वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2πRh, ठीक है, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7 होता है, आर का मतलब कितना है 3.5/2, और एच का मतलब कितना है आपके पास 10, ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 5 35, 0.5 आ गया, कौन बचा आपका 22 बचा, 0.5 बचा, गुणा में 10 बचा। अब इन सबकी गुणा कर लेंगे, 22 5 110 होता है, यानी कि 11 रह गया, 1 के बाद दशमलव है, और 11 धाम 110, इतने मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। अब उसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर का खर्च हमें दे रखा है कितना है बेटा 40 रुपये, तो कितने मीटर हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर का खर्च कितना हो जाएगा, हमें तो टोटल खर्च निकालना है, तो कैसे निकाल देंगे इसकी क्या कर देंगे जी, अगर 1 मीटर का 40 रुपये है तो 110 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 40 से गुणा कर देंगे, 11 चौक 44 कितना आ गया 20, कितने रुपये आ गए जी आपके 4400 रुपये प्लास्टर का खर्च आ गया। अब हम जो है अभ्यास के प्रश्न करेंगे, तो देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है, अभ्यास का पहला प्रश्न कहता है कि बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल आपको दे रखा 4.4 मीटर स्क्वायर और इसकी त्रिज्या दे रखी आपको 0.7, चाहे याद करनी है तो बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल हमें दे ही रखा है, तो फॉर्मूला रख देंगे बेलन के क्या होता है 2πRh, 4.4 है, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 0.7, एच हमें निकालनी है, 7 से 7 को काट देंगे 0.1 आ गया, 22 दूनी 44 44 एकम 44, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, एच निकालनी है, ये है 4.4 आपका, 4.4 कहाँ जाएगा भट्टे में जाएगा, तो 4.4 4.4 पूरा कट जाएगा, कितना आ गया 1 4 मीटर, तो ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 1 मीटर। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार स्तंभ, बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे रखा 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल दी 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, अब ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर,
कहता 12.50 रुपये 12.50 पैसे प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ पर पेंट कराने का, वर्क पर पेंट कराने का है। तो ये मीटर में खर्चा ही मीटर में, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा हमें, मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से भाग कर देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 कितना आ गया, 1/4 मीटर। ठीक है, अब इस पर हमने पेंट करना है तो पेंट का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, तो कितने से पेंट करना तक तो खर्चा होगा। ठीक है जी, पेंट का क्षेत्रफल पेंट करना है इसके वर्क पृष्ठ पर, तो बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। ठीक है, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7 होता है, आर का मतलब है आपका 1.5 और एच है आपका 3.5, 7 से काट देंगे, 7×5 35 और 2×2 4 और 2 से 11 को काटेंगे, 22 को काटेंगे तो 11 कितना रहेगा, 11×0.5 11×5 कितना हो गया, 5.5 मीटर स्क्वायर। अब उसने दे रखा कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च कितना दे रखा है, जिसने 1 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च 12 रुपये 50 पैसे इतना दिया जी उसने। ठीक है जी, तो कितने मीटर हमारे पास है, 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च। तो 5.5 से क्या कर देंगे इसकी, 5.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 125×5 कितना हो जाएगा आपका, 625। 62 हासिल किया आपका, 125×5 625 और 62 कितना हो गया आपका, 687। 687 दशमलव कितने अंक के बाद, ये 3 अंक के बाद, 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद, तो यहाँ जाएगा, और पॉइंट के बाद की 0 तो आपकी बेकार ही रहती है, 68 रुपये 75 पैसे आपका पेंट करने का खर्चा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। कहता है एक रोलर का व्यास 84 है, अगर व्यास 84 है रोलर का तो त्रिज्या कितनी जाएगी उसकी, 42। कितनी जाएगी त्रिज्या, 42 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी 42 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे भाग, ये हो जाएगा मीटर। उसके आगे उसने कहा और लंबाई है 120 सेंटीमीटर, और लंबाई है इसकी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी कि जो ऊंचाई है इसकी वो है 120 सेंटीमीटर, तो 120/100 क्या कर देंगे, 100। 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ गया, 12/10 मीटर। ये मीटर में हो गया आपका। और क्या कहता है आपसे, कहता है खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये जो रोड रोलर है इसको 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल जो आपको मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना, इसलिए इनको क्या बना दिया हमने, मीटर में बना लिया पहले ही, किसमें बना लिया जी हमने इनको, मीटर में। ठीक है, और जो टच करेगा जमीन को इसका चारों तरफ का हिस्सा करेगा, इनके वृक्ष पर क्षेत्रफल करेगा। तो ठीक है, तो मैदान का जो क्षेत्रफल निकलेगा, मैदान का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 500 गुणा रोलर, यानी कि रोड रोलर का वृक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा जी, वृक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या है, 500 तो 500 रहेगा, रोड रोलर क्या है आपका बेलन की तरह है, तो बेलन का क्या होगा, 2πRh होता है क्षेत्रफल। 500 दूनी कितना कर दूं, 1000 कर दूं, पाई का मतलब आपका 22/7 कर दूं, आर का मतलब आपका, आर कितनी है जी, 42/100। ठीक है, एच का मतलब 12/10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 2 0 3 0 से ऊपर की 3 0 कट गई और 7 6 42 हो गया, क्या बचा, 22 6 और 12 बचा। 12 6 कितना होता है आपका, 12 6 72 होता है, 22 से आप गुणा कर लेंगे, 12 6 72 होता है, 22 की और गुणा कर लेंगे, कितना आ गया, कितना आ गया, 1584। कितना आ गया जी आपका, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आपने गुणा कर लिया, आपने 72 2 144 72 2 144 4 8 5 1 कितना आ गया जी आपका मैदान का क्षेत्रफल, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये रफ वर्क ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।